27 लुक चैप्टर 4 वर्सेस 27 लुका रचित समाचार 4 का 27 एक मिनट हम अपने अंगों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। खुदावंद मालिक हमें भी शुद्ध कर दे पापा, यीशु के नाम से आमीन। दोबारा पढ़ेगा, जब एलिशा भविष्यद्वक्ता के समय इसराइल में बहुत से कोढ़ी लोग थे, पर सीरियावासी लेकिन सीरियावासी नामान को छोड़कर उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया, उनमें से कोई भी शुद्ध नहीं किया। ध्यान दीजिए, बीमारी लोग चंगा होता है लेकिन कोढ़ लोग शुद्ध हो जाते हैं। फर्क क्यों मालूम है? बाइबल में हर जगह पर देखते हैं कोढ़ी शुद्ध हो जाते, बीमारी लोग हैं चंगा हो जाते, कोढ़ शुद्ध हो जाते, क्योंकि कोढ़ को बीमारी के लिस्ट में नहीं आया। बीमारी के लोग में कोढ़ नहीं आया, बीमारी लोग को प्रभु चंगा किया, लेकिन कोढ़ी लोग को प्रभु शुद्ध किया। जहां पर भी बाइबल में देख सकते हैं, एलिया के दिनों में भी नामान शुद्ध किया गया कोढ़ से। क्यों है? कोढ़ है केवल बीमारी नहीं है, एक किस्म का अशुद्ध है। बाकी सारी बीमारी का लोग चर्च जो मंदिर में जा सकता था, प्रभु के भवन में जा सकता था, केवल कोढ़ नहीं जा सकता था। मैं पुराना नियम के बारे में बोल रहा हूं। हालेलुया। हमारे चर्च में भी कितना लोग कोढ़ है वो लोग आते हैं, चंगा अभी चंगा हो गया बहुत लोगों को, प्रभु धन्यवाद। तो ध्यान दीजिएगा, बीमारी और कोढ़ बीमारी में नहीं आता, कोढ़ है बीमारी में नहीं आता है, बाकी सब बीमारी में आता है, चंगा हो जाते हैं। क्यों है? क्योंकि ये बीमारी, ये कोढ़ है प्रभु का ओर से दिया गया। आपको बाइबल में मालूम है पहला कोढ़ी कौन है? कौन बोलेगा? एक इवांजेली के थाली बजाई, मरियम जो मूसा का बहन है, वो पहला बाइबल का अनुसार पहला कोढ़ है। अभी कोढ़ हमारे जीवन में, अशुद्ध हमारे जीवन में, कोढ़ मतलब अशुद्ध ही है, हमारे जीवन में आने का कुछ कारण से, उसका शुद्ध होने के भी कुछ कारण से, कुछ कारण से ही कोढ़ बाइबल के अनुसार हमारे जीवन में आता है, कुछ कारण से ही वो कोढ़ शुद्ध होता है। हमारे जीवन में बहुत प्रकार की कोढ़ है। कोढ़ सिर्फ उंगली गिंगली ऐसा ऐसा होना, वो सिर्फ कोढ़ नहीं है, बहुत प्रकार की कोढ़ है। प्रभु शुद्ध करना चाहते हैं हमारे आत्मा में, शरीर में, प्राण में, मेरी नजरों में, मेरे होठों में, मेरा खानों में, मेरे हृदय में, मेरा चाल चलने में, जिंदगी में, सोच विचार में, बहुत कोढ़ है। ये क्या कर लेते हैं? खा लेता है, उंगली गिंगली सबको खाते खाते आ जाएगा। और वो कोढ़ का दूसरा एक है स्वभाव के अमल में फैलता है, इसे कोढ़ के लोग क्या करते हैं? आइसोलेशन कर लेते हैं, अलग रख देते हैं। कोढ़ क्या बीमारी है? वो क्या करते हैं? फैलने वाला बीमारी है। एक आदमी की कोढ़ है तो उनके साथ रहने वालों को भी आने का संभावना है, इसलिए उनका घर वालों को भी क्या कर देते हैं? उसका क्या वैक्सीनेशन किया जाता है, इंजेक्शन दे देते हैं। तो आज हम अपना वचन को जाएंगे। बहुत लोग कोढ़ था नामान के दिन में, बहुत लोग कोढ़ था, लेकिन सब शुद्ध नहीं किया गया, केवल अन्य जाति समारी वो शुद्ध किया गया है। बहुत लोग एक सवाल है,
वो गवाही सुनते हैं, इनका चंगाई हो गया, इनका चंगाई हो गया, उनका ठीक हो गया, इनका ठीक हो गया, लेकिन मेरा ठीक नहीं हुआ, मेरा शुगर अभी तक ठीक नहीं हुआ, मेरा प्रेशर अभी तक ठीक नहीं हुआ, मेरा वो बीमारी ठीक नहीं हुआ, मेरा ये बीमारी ठीक नहीं हुआ। उसका कारण क्या है हम अपने जीवन में समझना। एलिया कहाँ रहता है? इसराइल में, यहूदा में रहता, लेकिन इसराइल का लोग में बहुत कोढ़ी था, लेकिन एक की भी कोढ़ी शुद्ध नहीं हुआ, एक की भी कोढ़ी शुद्ध नहीं हुआ। लेकिन समारिया में एक कोढ़ था, वो आकर शुद्ध होकर चले गया। कारण क्या है उसके बारे में हम देखना है, उसके कारण क्या है। मिलाते लेकर पढ़ सकते हैं दूसरा राजा का पुस्तक उसका 5:1। दूसरा राजाओं का पुस्तक 5:1। आराम के राजा का नामान नामक, आराम के राजा का नामान नामक, नामान नामक सेनापति, एक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में, अपना स्वामी का दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष, बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजय किया था, वो शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था, ध्यान दीजिएगा, बाइबल यहां पर एक इंसान को इंट्रोड्यूस कर रहा है। वो इंसान साधारण आदमी नहीं है, पूरा देश का एक सेनापति था। सेनापति मतलब क्या है? सेना को चलाने वाला, युद्ध को चलाने वाला। उतना भी नहीं है, यहां पर लिखा है यहोवा, अन्य जाति सेनाधिपति को यहोवा बहुत जहां पर उनका विजय दे दिया, प्रभु उनको जीतने दिया। उधर मत देखिए, इधर देखिए, हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, उनका द्वारा बहुत विजय प्रभु दिया, बहुत उनको प्रभु इस्तेमाल किया। उसके बारे में लिखा है वो देश में बड़ा आदमी था, देश में राजा का बाद अगला बड़ा आदमी कौन है? सेनापति। उनके पास सारी सेना रहता है, तो बड़ा आदमी था। उतना भी नहीं, वो शूरवीर था। उसके लेके जाओ, वो बाथरूम की तरफ जाना चाह रहा क्या? उसको घुमा के लेके जाओ, बेटी को बोल दो बेटी लेके जाओ, थोड़ा घुमा के लेकर जाओ, उसका रास्ता छोड़िए, जल्दी जाओ। अरे जगह, उनके जीवन में प्रभु उनको बहुत आशीर्वाद किया। एक सेनापति मतलब गरीब रहेगा, बहुत आदमी था, बहुत बड़ा घर था, बहुत धन दौलत था। उसी दिन में सेनापति लोग जहां जहां जो जो देश के ऊपर चढ़ाई करता है, उसी देश में कीमती कीमती चीजों को अपने लिए ले लेता, सोना चांदी को ले लेता, जो जो कीमती चीज अपने घर में भरा देता। उनके अंडर में सारी सेना उनके विरोध में कोई मुंह नहीं खोल सकता, इतना बड़ा आदमी, सब कुछ है उनके जीवन में, सब कुछ बना, सारी परिवार, बच्चा, इतना अच्छा पोस्ट। वही तो बाइबल लिख रहा वर्णन करके, उसका आराम देश में नामान करके एक सेनापति, बड़ा आदमी था, शूरवीर था। आखिर में एक चीज लिख दिया, लेकिन कोढ़ था, सब कुछ गया काम से। ध्यान दीजिए, हमारा जीवन में सब कुछ है, कहीं एक जगह पर कोढ़ है, बस बेकार हो गया। आज हमारे जीवन में यीशु नहीं है, बेकार, धन दौलत, घर द्वार, गाड़ी घोड़ा, सोना चांदी, बैंक बैलेंस, सब कुछ है, लेकिन यीशु नहीं है, बेकार है। इनका जिंदगी में देखते हैं, इतना बड़ा आदमी। उसका दूसरा वचन पढ़िएगा,
अरामी लोग डर मानकर इसराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए, बंदी बनाकर लेकर आए। जहां गया उधर बहुत कुछ सामान लेकर आता, उसमें एक छोटा लड़की को भी लेकर आया। और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। वो क्या कर दिया, नामान का पत्नी को सेवा करने के लिए, पैर दबाने के लिए, हाथ दबाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, लिपाई करने के लिए, सफाई करने के लिए उनको घर में छोड़ दिया। छोटे लड़की को दल बांध के, मतलब अरेस्ट करके, कैदी बना के। अभी वो लड़की को कोई हक नहीं है, उनका माँ बाप से छुड़ा लिया, माँ बाप से दूर हो गया, अपना घर से दूर हो गया, अकेला कैदी बन गया। तो आप सोचिए वो छोटा लड़की का जिंदगी क्या होगा, उनका कोई भविष्य बनेगा, उनका कोई शादी विवाह होगा, जीवन भर मरने दम तक गुलाम, नो राइट्स, कोई तंगा नहीं, कोई पेमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, गुलाम बनकर जिंदे रहना, हम पसंद नहीं है, हम काम नहीं करेंगे, बोल नहीं सकता, पीठ पर मार मिलेगा, मैं अपना घर में जाएंगे, मेरा मम्मी पापा को देख लेंगे, नहीं हो सकता, जीवन भर गुलाम। वो भी क्या है, छोटा लड़की करके लिखा, पढ़िएगा दोबारा। अरामी लोग डर मानकर इसराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर, बंदी बनाकर लेकर आया, और वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। वो नामान का पत्नी का सेवा करता, वो लड़की कितना टूटा होंगे, कितना निराशा में होंगे, उनका कोई आशा ही नहीं है, और कई देश में बंदी बनाकर, कैदी बनाकर लेकर जाकर गुलाम गुलाम बना दिया। अभी उसका काम है मरने दम तक दिन रात काम करते रहना, काम करते रहना, काम करते रहना, काम करते रहना, कोई जुटन देगा तो देगा, नहीं तो नहीं। तो उसी अवस्था में कोई प्रभु का मिनिस्ट्री कर सकता है, लेकिन ये लड़की वहां पर प्रभु का मिनिस्ट्री किया, वहां पर वो प्रभु का सेवा किया। और पढ़िएगा आगे, उसने अपने स्वामिनी से कहा, अपना स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी, यदि तुम्हारा क्या, यदि मेरा स्वामी, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता, अरे इसराइल में जो भविष्यद्वक्ता है, प्रभु का दास है, परमेश्वर का दास है, उनका पास जाता तो क्या ही अच्छा होता, अरे उसका कोड अच्छा हो जाता, कोड़ी बन के घूम रहा है, क्योंकि वह उसको कोड से चंगा कर देता, वो उसका कोड से चंगा करेगा, जोरदार थाली बजा के, जो अच्छा है, सही सलामत है, आ जाती है, वो मिनिस्ट्री नहीं करता, वो और किसी को यीशु के बारे में नहीं बोलता, प्रभु के बारे में नहीं बोलता, वहां पर एक कलिशा है, वहां प्रार्थना होता है, आप उधर जाएगा तो चंगा हो जाएगा, नहीं बोलता। क्या हमारे देश में बीमारी लोग का कम है, कहीं पर भी घुमा बीमारी लोग, बीमारी, एक आदमी बीमार हो जाएगा सारी परिवार बर्बाद हो जाता, होता कि नहीं होता, परेशान हो जाते क्या हो जाता। यहां पर एक स्त्री है, उसका कितना हिम्मत है, अपना जो मालिक है वो खोड़ है, अरे मेरा देश में कोई भविष्यद्वक्ता के पास जाएगा तो ठीक हो जाएगा, बोलेगा हिम्मत चाहिए कि नहीं चाहिए, क्यों उसको, वो तो गुलाम में कुछ भी उल्टा सीधा बोलेगा, गला काट देगा, लेकिन वो परवाह नहीं किया, मरेंगे तो भी मरेंगे, लेकिन मेरा जिंदा परमेश्वर के बारे में बताएंगे, अन्य देश में जाकर प्रभु के बारे में बताया, अन्य देश के बारे में जाकर मेरा परमेश्वर के बारे में बताया। हालेलुया, मिले ना मिले, वो माने ना माने, नो प्रॉब्लम, मेरा काम मैं कर ले, मेरा अवस्था जिंदगी भर गुलाम, दोबारा मेरा मम्मी पापा को, मेरा भाई बहनों को देख नहीं सकते, मेरा देश में जा नहीं सकता, मरेंगे इधर ही गुलाम बन के, लेकिन यहां पर भी मेरा जिंदा परमेश्वर का नाम को ऊंचा करें। कभी कभी हम डर जाते, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, वो मेरा बारे में गलत सोचेगा, कभी कभी सोचता कि नहीं सोचता, डरता कि नहीं डरता, हाँ
हालेलुया। लेकिन हम लोग कुछ लोग शर्मिंदा हो जाता, यीशु के बारे में बोलने के लिए शर्मिंदा हो जाता, लेकिन ये छोटी लड़की शर्मिंदा नहीं हुआ, डरा नहीं है, हिम्मत से बोल दिया उधर जाओ, उधर चंगा हो गया। कितना विश्वास है, भरोसा है। आज तक एलिया उस दिन तक किसी एक को कोड को चंगा किया? एलिया कोई कोड को चंगा किया? एक आदमी को चंगा नहीं किया, लेकिन उनका इनका विश्वास है, इनका ये लड़की का विश्वास है, वो मेरा जीवित परमेश्वर के पास जाएगा, चंगा हो जाएगा। फिर भाई बहन आपके अंदर का विश्वास को थामे रखिए, बोलिए हिम्मत से बोलिए, उधर जाएगा तो ठीक हो जाएगा, उधर जाएगा तो चंगा हो जाएगा, उधर जाएगा तो आप शुद्ध हो जाएगा। कितना हिम्मत से सुसमाचार, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा प्रचार नहीं किया, ये छोटा सा गॉस्पल। हालेलुया। कितना लोग छोटा लड़की बनना चाहते हैं? हमें आज हमारा पास बहुत टाइम है, बहुत वक्त है, आजाद है बोलने के लिए, हमारा आजाद है। कोई तकलीफ में बीमारी में उनको बोल सकता कि नहीं सकता? बोल सकता। ये लड़की ने इतना अच्छा गॉस्पल फैलाया और सारे आराम देश हिल गया। इसराइल में एक परमेश्वर है, वो भी देश में सबसे बड़ा नाम ही आदमी चंगा मिला तो देश हिलेगा नहीं हिलेगा? राजा हिलेगा नहीं हिलेगा? हिलेगा कि नहीं? अगला वचन पढ़िएगा। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, अपना प्रभु के पास, राजा के पास जाकर कह दिया, इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती है, इस्राएल का लड़की इस प्रकार कहती है, आराम के राजा ने कहा, आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भी भेजूंगा। देखिए, आमतौर पर बड़ा आदमी लोग मानता नहीं है, बड़ा आदमी लोग ऐसा हम लोग सोचते बेचारा बड़ा आदमी भी इंसान है, उनका भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, उनका भी प्रॉब्लम है, समस्या है, वो भी बाटल बन के गोली खाता है। कितना लोग किसी ना किसी के घर में काम करता है, कितना लोग कितना कितना मालिक के लोगों के पास काम करता है। जब मैं मन पिरा नया नया विश्वासी है, आकर दारू नहीं पीता, बंगर में जाकर प्रार्थना करता, ये रिपोर्ट ऊपर वाला को चला गया, ऊपर वाला ऑफिसर बुलाया, डाटा आए, तो वैसा वैसा क्यों करता, तुम्हारा बारे में ऐसा सुनने मिल रहा। बेचारा मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं प्रभु को जानकर ज्यादा से ज्यादा 3 महीना हुआ, देखिए मेरा क्या जान सकता, फिर भी मैं ऐसा ऐसा बोला, वो थोड़ा हिल गया। ठीक है जाओ। मालूम है क्या हुआ? कई दिन के बाद वो मुझे बुलाया, आओ तू अपने यीशु से प्रार्थना करो, मेरा मम्मी बहुत सीरियस है। नामान लोग मन फिरेंगे, नामान लोग झुकेंगे, सेनापति लोग झुकेंगे, मोदी लोग मन फिरेंगे। आमीन नहीं आ रहा? बड़े बड़े ऊंचा पद वाले लोग, नेता लोग, अधिकारी लोग मन फिरेंगे, ज्यादा दूर में नहीं है, बाइबल में चरित्र है, क्योंकि मेरा परमेश्वर राजाओं के राजा है, राजाओं के राजा, उनके दिल प्रभु का हाथ में। नामान भक्तिमान नहीं है, लेकिन नामान को सुसमाचार जो बताया वो लड़की का विश्वास का प्रभु आदर किया, वो लड़की का विश्वास को, छोटा लड़की लिखा है, वो छोटा लड़की के द्वारा बड़ा आदमी प्रभु छुआ, वहां से क्रिया करना शुरू कर दिया, वो लेट नहीं किया,
वो सुना ऐसा छोटा लड़की ऐसा सब बोल रहा है, तुरंत राजा का पास चल गया, मेरा घर का छोटा लड़की ऐसा बोल रहा है, हम जाना चाहते जाओ, आज हमारे जीवन में आज वो परमेश्वर बदल गया कि नहीं बदल गया? नहीं बदला, आज वो ही परमेश्वर है, वो बदला नहीं है। आप बड़ा आदमी मत सोचिए, हम जितना कमांडिंग ऑफिसर लोगों को सुसमाचार बताए, कुछ लोग मन पिरा, कुछ लोगों का दंड पाया, दोनों हुआ। ये सुसमाचार का ताकत है, ये क्या करता है, या किसी लोग को ऊपर उठने का सीढ़ी बन जाता है, कुछ लोग को ठोकर खाने का पत्थर बन जाता। हम दोनों का देखा अपने जीवन में, जो जो लोग मुझे तंग किया आर्मी में ऑफिसर लोग, बहुत लोग को मौका मिला यीशु को जानने में, कितना लोग कट्ठा उड़ाया, उनके सामने चैलेंज किया, वो मन पिरा, मेरा उदय गुंज अधिकारी लोग। आज अपने जीवन में कोई इंसान बड़ा नहीं है, केवल यीशु बड़ा है। मालूम है, रियली बात है। एक पास्टर का रात को प्रभु बताया, बहुत बड़ा संस्था का डिनोमिनेशन का हेड है, बोला जाकर राजीव गांधी को सुसमाचार बताओ। किसका बताना? राजीव गांधी को सुसमाचार बताओ। वो तुरंत उनको पीए के लोगों को इन लोगों पर लेटर दिया, राजीव गांधी से मेरे को मिलना है, लेकिन अपॉइंटमेंट है। राजीव गांधी को खबर चल गया, ऐसा एक पास्टर है, पादरी है, आपसे मिलना है, बात करना, 5 मिनट टाइम मांग रहा। ठीक है, अभी बीसी है, बात में आखिर में बोला ठीक है, इलेक्शन खत्म होना दो, इलेक्शन के बाद आपसे मिलेंगे, 5 मिनट दे, 10 मिनट देंगे, लेकिन इलेक्शन में मैं थोड़ा बिजी हूं। हालेलुया। तो मालूम है क्या हुआ है, जब इलेक्शन प्रचार करने के लिए तमिलनाडु में गया, वहां पर एलटीटी वालों ने बम स्फोटन किया, पीस पीस हो गया, उनका दोबारा मौका नहीं मिला सुसमाचार सुनने का, पास्टर से मिलने का, 5 मिनट टाइम देने का, दोबारा मौका नहीं मिला। उधर ही बिठा था। हालेलुया। तो आज अपना जीवन में समझना, इधर बिठाओ नहीं तो नीचे बिठाओ, नीचे लेके जाओ, नीचे बिठाओ जाओ। हालेलुया। बड़ा आदमी नहीं है, कोई बड़ा आदमी नहीं, मौका मिलेगा तो मैं मोदी का भी सुसमाचार बताऊंगा। कितना लोगों को मालूम है, शिवसेना का लीडर उत्तम ठाकरे का पापा का नाम क्या है, बाल ठाकरे, जब जमाना में बाल ठाकरे वहां का मिनिस्टर था मुंबई में, वहां पर बेनिहीन प्रोग्राम रखा, बेनिहीन अपना प्रोग्राम रखा, इंडिया में परमिशन नहीं दे रहा था। कब कौन सा साल था, हमारे पास सीढ़ी है उसका, हम लोग पास सीढ़ी है, आपको मिल जाएगा, आपका नेट में ढूंढेगा, जो बेनिहीन का बॉम्बे कुछ साइड आप टाइप करेगा आपको मिल जाएगा, फर्स्ट क्रूसेड। ध्यान दीजिए, इंडियन गवर्नमेंट जो अग्रीमेंट करके उसको अंदर बुलाया, आखिरी में बहुत प्रेशर था, उसका आना नहीं मांग रहा था, अग्रीमेंट करवाया, किसी एक को भी धर्म परिवर्तन का किसी प्रकार की क्वेश्चन दिया, यीशु को स्वीकार करो, यीशु को मान लो, या इसी तरह कोई भी वेडिंग यूज करेगा आपका अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि वहां पर धर्म परिवर्तन मना है। बेनिन बड़ा ओके,
कुछ दिन पहले आ गया। आने के बाद जो अरेंज मंडल के द्वारा सुना गया है, बाल ठाकरे का मम्मी बहुत सीरियस में, मम्मी बहुत सीरियस में। वो बोला अपना पीए के द्वारा अपना उनसे कांटेक्ट करो क्या मैं आपका मम्मी के लिए एक मिनट दुआ कर सकता हूं। तो उनका पीए से, उनके पीए से बात हुआ, वो बोला हाँ दुआ कर सकते, क्या मैं आपका घर में पैर रखे आपके घर में आकर आपका मम्मी के लिए दुआ कर सकता हूं। वो सोच के बोल दे ठीक आई है। मालूम है वहां पर गया, बेनिहीन प्रार्थना किया, पाल ठाकरे का मम्मी तुरंत उठ के बैठ गया, जो आज तक पहले संस्था खड़ा हो गया। आज तक शिवसेना क्रिश्चियंस का एगेंस्ट में उनका पाल ठाकरे का उसी दिन के बाद आज तक कहीं पर भी आप सुना नहीं होगा मिनिस्ट्री, आज तक शिवसेना क्रिश्चियंस का एगेंस्ट में आज तक नहीं है। हालेलुया, आज तक, आज उत्तम ठाकरे आज तक उनका बेटा भी सब लोग देखा, परिवार चमत्कार को देखा, लेकिन बाकी बोल नहीं सकता कि उन पार्टी का नाम है शिवसेना। हालेलुया, लेकिन मालूम है क्या हुआ, बीजेपी के साथ टक्करों के बीजेपी से निकल गया वो। एक बहुत बड़ा कहानी है, इधर पब्लिक में नहीं बोल सकता हूं। हालेलुया, उसका आप नेट में देख सकते हैं, बॉम्बे का बाल ठाकरे वहां का चीफ मिनिस्टर वो मनपिरा। मैं विश्वास करता हूं वो मरते समय यीशु को स्वीकार करके मरा। आज जब कहीं पर भी देखो बॉम्बे में बीजेपी का राज्य चल रहा है महाराष्ट्र में, तो आज तक इतना क्रिश्चियन लोगों के विरोध में, लेकिन शिवसेना क्रिश्चियन लोगों के सपोर्ट में है। आप देख सकते हैं नेचुरल अपना ये देख सकता क्यों है, एक बड़ा आदमी का प्रभु पकड़ना चाहते, एक बड़ा आदमी का प्रभु पूंज पकड़ना चाहते, बड़ा आदमी का सिर में प्रभु हाथ रखना चाहते। उसी मीटिंग अभी नेट में है, बहुत बंदोबस्त कर दिया उसको अरेस्ट करने के लिए, पुलिस की डिस्कार्ड या कुछ भी पड़ेगा सेंटर से पूरा, लेकिन वो हर जगह पर कर दिया ब्लेसिंग। कितना लोग ब्लेसिंग चाहिए, कितना को ब्लेसिंग चाहिए, कितना को हीलिंग चाहिए, कितना को यीशु चाहिए, नहीं बोला कोई मुंह से मिलेगा पकड़ेंगे करके पूरा इंतजार, दो इंतजार में सारे आखिरी में अब उसमें है सारी पुलिस डिपार्टमेंट को, आइए आप लोग को ब्लेसिंग चाहिए आप ऊपर आइए बोला सारी पुलिस डिपार्टमेंट आ गया स्टेज में बुलाया, आओ जो आगे में खड़ा है उन लोग पूरा बोला स्टेज में जो, वो प्रार्थना किया सारी पुलिस नीचे गिरा हुआ, कोई अपना बेल्ट ढूंढ रहा है, कोई अपना टोपी ढूंढ रहा है, कोई अपना लाठी ढूंढ रहा है। कितना लोग विश्वास करते मेरा परमेश्वर आज भी जिंदा, वही परमेश्वर एलिया का परमेश्वर, एलिशा का परमेश्वर आज भी जिंदा है, आज भी जीवित है। वो आकर चंगा होकर गया कि नहीं, यदि बच्चा हुआ कल टाइम मिलेगा तो आपको बता देगा अपना जगह पर हम लोग कुट्टा टेके। एक छोटा सा लड़की, वो भी बंधन में गुलाम बनकर गया हुआ लड़की, वो अपना मुंह खोला मेरा परमेश्वर काम किया, परमेश्वर के नजर में नामान कुछ नहीं है, वो अपने देश में बड़ा आदमी है, अपने देश में वो सेनापति है, अपने देश में बहुत बड़ा धनवान है, सब कुछ है, लेकिन प्रभु के सामने कुछ नहीं है, प्रभु के सामने सबसे कीमती है वो छोटा लड़की। प्रभु का बात पर जो नामान का बात पर प्रभु काम नहीं किया, उसी छोटी लड़की का विश्वास को वो प्रभु पूरा आदर कर दिया।
क्यों? उसका पहले कोई भी प्रभु का सेवक लो, प्रभु का दास लो, एलिया, कोई कोड़ी को शुद्ध नहीं किया, कोई कोड़ी को शुद्ध नहीं किया, कोई कोड़ी को शुद्ध करने का कोई भी जगह कहीं पर नहीं है, लेकिन वो लड़की ने विश्वास किया, यदि मेरा परमेश्वर का दास के बचाएगा इनका कोड शुद्ध हो जाएगा, उनका विश्वास का प्रभु आदर किया। आज कितना लोग औरों को बताना चाहते, तुम्हारा कोड शुद्ध हो जाएगा, तुम्हारा बीमारी शुद्ध हो जाएगा, तुम्हारा बीमारी चंगा हो जाएगा, तुम्हारा दुर्बल चंगा हो जाएगा, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वो मेरा परमेश्वर है यहाँ पर, और यहाँ पर एक जीवित परमेश्वर है। कितना लोग बोलना चाहते है आपका बात को प्रभु आदर देना चाहते है, आपका बात को प्रभु आदर करना चाहते है, आपका बात पर प्रभु वो क्रिया करना चाहते हैं। कितना लगे हमारे चारों तरफ हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल है हमारे चारों तरफ, बीमारी लोग है, बीमारी लोग है हमारे चारों तरफ। कितना लोग आज प्रभु से बोले, प्रभु मैं भी वो छोटा लड़की बनना चाहते, उसका नाम नहीं मिले, उसका नाम कभी बाइबल में नहीं है, वो छोटा लड़की का नाम कभी भी नहीं है, कोई भी नाम नहीं है, वो कहाँ का लड़की है, वो कौन सा नाम है, क्या नाम है, उसके माँ बाप का क्या नाम है, वो कुछ नहीं मालूम है उसके बारे में, सिर्फ बाइबल में लिखा एक छोटा लड़की, उसके छोटा लड़की। आज कितना लोग बनना चाहते, ओ प्रभु मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए, मैं आपके हाथ में है, ओ प्रभु मैं आपके हाथ में, खुदा बंद आशीर्वाद कर, कलीसिया का आशीर्वाद कर, एक एक विश्वास भाई बहनों का आशीर्वाद कर। वो मुख खोल कर एक ही मेरे बताया, सारे आराम देश में बहुत बड़ा रिवाइवल हो गया, सारे आराम देश हिल गया, आराम देश का राजा हिल गया, आराम देश का ओ उसी सेनापति हिल गया, उनके सारी सैनिक लोग हिल गया, और सब देखा एक कौन गया इस्राएल का परमेश्वर का पास, वो कौन शुद्ध होकर आ गया, वो धन्यवाद त्रिगुणा मो शपाला राबाला राबाला मोरी बाबा जीवित परमेश्वर का आराधना करूंगा, इसराइल का जीवित परमेश्वर का आराधना करूंगा। ओ दल्ला डाला बना मोरी दीदी आज कितना लोग चाहते खुदा भाई पहले मेरे अंदर में कितना कोड है वो शुद्ध कर दे, औरों की कोड को भी शुद्ध करवाना चाहते, आपके नाम फैलाना चाहते, आपके नाम को महिमा करना चाहते, आपके नाम को ऊंचा करना चाहते। मेरे चारों तरफ कोड ही कोड है, मेरे चारों तरफ बीमारी लोग से भरा हुआ है, और मेरे चारों तरफ दुखी दुखी लोगों से भरा हुआ है, उनके पास जाकर बताऊंगा ईसाई का एक परमेश्वर है, आप जाके देख, आप जाके देख भी मैंने सब बनाया बड़ा आशीर्वाद कर खुदा बंदे। आज कितना लोग विश्वास के साथ आप लोगों को आपके हाथ में समर्पण करते इस्तेमाल कर, यहाँ से वापस घर जाते रास्ता रास्ता में, हर गाड़ी में, हर टेम्पो में, वो अपने यीशु के नाम को फैलाते जाने दे, फैलाते जाने दे, बोलते जाने दे, नदी में कोई बड़ा आदमी नहीं है, यीशु से बड़ा आदमी कोई नहीं है, वो बड़ा खिना हो वो छोटा खिना हो, मेरे जीवित परमेश्वर के सामने एक आत्मा है, वो केवल एक आत्मा है। अच्छा ले रही मैंने वो समझा लाडा राबा ना मोरी बाबा आपके बल इस्तेमाल के नाम पिता परमेश्वर का प्रेम पुत्र प्रभु यीशु पवित्र आत्मा का संग जो संग पाकिदा